25th मार्च के करंट अफेयर में फर्स्ट पॉइंट है, इटली हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ यूरोप फॉर साइन अ नॉन बाइंडिंग प्रोटोकॉल विद चाइना टू टेक अ पार्ट इन द नेशंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI विच एम्स टू लिंक चाइना विद यूरोप। चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो इटली ने अपने देश में इस रूट को आने के लिए अलाउ किया है, जैसा कि भारत को भी एक प्रपोजल रखा गया था कि इस रूट के थ्रू व्यापार करने के लिए भारत में भी सड़क मार्ग बनाया जाएगा, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया था। पाकिस्तान ने इसको अलाउ किया और POK के क्षेत्र से ये रोड जाने का प्रपोजल है, जिसका कि भारत पूरे जोर से विरोध कर रहा है। तो फिलहाल काम की बात है कि इटली ने यूरोप का पहला देश है और G7 देशों में एकमात्र देश है इटली, जिसने कि अलाउ किया चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। BRI के बारे में जाने तो द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क, इसके तीन नाम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड इज अ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन 152 कंट्रीज इन यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका। तो इन जगह और टोटल 152 कंट्रीज में प्रपोजल है चाइना के BRI प्रोजेक्ट को लागू करने का। ये इटली और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बीच MOU साइन हो रहा है, ये जी जिनपिंग है और ये चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है लुइगी डी मायो। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ग्यूसेप कॉन्टे हैं इटली के, ये मौजूद नहीं थे, इसलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसमें साइन किए। तो ये इनके बीच एग्रीमेंट साइन हो रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है BRI के बारे में, द इनिशिएटिव वॉज अनवील्ड बाय चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग इन अक्टूबर 2013। तो कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की यात्रा पे थे, तो उस समय उन्होंने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, इस इनिशिएटिव के बारे में बताया था। अंटिल 2016 द इनिशिएटिव वॉज ऑफिशियली नोन एज वन बेल्ट वन रोड। 2016 में इस इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड नाम से जाना गया, ओबोर, बट द ऑफिशियल नेम वॉज चेंज्ड एंड नाउ नोन एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद इस ओबोर नाम को भी चेंज करके वन हटा दिया गया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI उसका इस प्रोजेक्ट का नाम पड़ गया। चाइना के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन रेनमिन्बी, PM ली केकियांग, प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, इटली कैपिटल रोम, करेंसी यूरो, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अभी हमने पढ़ा था जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, लुइगी डी मायो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ग्यूसेप कॉन्टे। तो ये BRI प्रोजेक्ट के बारे में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, ओमान साइन एन MOU विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अलाउइंग अमेरिकन सिप्स एंड वॉर प्लेन्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स। तो ओमान ने एक MOU साइन किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ कि ओमान के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स में अमेरिकन सिप्स और वॉर सिप आ सकते हैं, कोई भी मिलिट्री इवेंट अगर वो करते हैं या कुछ भी मिलिट्री से रिलेटेड कुछ भी इवेंट वो करते हैं तो ओमान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो उनके बीच एक MOU साइन हुआ है। कैपिटल ऑफ ओमान मस्कट, यहाँ की करेंसी रियाल है और प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ बिन अलवी। ये इनके बीच साइन एग्रीमेंट हो रहा है। ये ओमान के प्रेसिडेंट है अलवी और ये अमेरिका की तरफ से किसी को भेजा गया है
हालांकि शक्ल इनकी पूरी तरह से दिख नहीं रही, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कौन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्पेशल ओलंपिक गेम्स या स्पेशल ओलंपिक यूथ गेम्स 2019 वाज हेल्ड इन अबू धाबी, यूएई। तो स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2019 का आयोजन हुआ था, 21 तारीख को यह आयोजन खत्म हुआ है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में। टोटल 190 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, 190 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया गॉट 368 मेडल्स इन विच 85 गोल्ड, 154 सिल्वर एंड 129 ब्रॉन्ज। इंडिया पावर लिफ्टर्स बैग्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स, इंडिया के जो पावर लिफ्टर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल हासिल किए, जिनमें कि 20 गोल्ड, 33 सिल्वर एंड 43 ब्रॉन्ज। यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यूएई, कैपिटल अबू धाबी, यहाँ की करेंसी दिरहम है, और क्राउन प्रिंस यहाँ के हैं मोहम्मद बिन जायद अल नायान, बहुत बड़ा नाम है, आप सिर्फ इसको याद रखना नायान, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। क्राउन प्रिंस का नाम एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन जायद अल नायान। तो बड़ी खबर है कि स्पेशल ओलंपिक यूथ गेम्स 2019 का आयोजन अबू धाबी यूएई में खत्म हुआ। भारत ने 368 मेडल प्राप्त किए, जिसमें कि 85 गोल्ड, 154 सिल्वर और 129 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सबसे ज़्यादा मेडल्स पावर लिफ्टर्स को मिले, भारत के पावर लिफ्टर्स को मिले हैं, जिसमें कि 20 गोल्ड, 33 सिल्वर और 43 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अभी हमने पढ़ा है यूएई और ओमान दोनों खाड़ी देश हैं, इनकी स्थिति जान लेते हैं कि कहाँ पे है। ये भारत हो गया, ये पाकिस्तान है, ये सब जानते हैं, भारत पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान है ऊपर की तरफ, पाकिस्तान से इधर ईरान हो गया, फिर इराक हो गया, सऊदी अरब, ये बहुत बड़ा यहाँ पे डोमिनेटिंग सऊदी अरब, ये यमन है और ये ओमान है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि ओमान और यूनाइटेड स्टेट के बीच एमओयू साइन हुआ है पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को अमेरिकन मिलिट्री यूज कर सकती है, ये ओमान है। यहाँ पे आप 57 नंबर लिखा है छोटा सा, ये है कतर, छोटा सा ये है कतर, और ये पिंक में 74 जहाँ पे लिखा है ये है यूएई। तो ध्यान रखना, जो भारत का व्यापार होता था पहले वो इस रास्ते होता था और एक दूसरा वे था ये वाला, तो ये बहुत बड़ा रूट है जहाँ पे ये ओमान हो गया और ये यूएई हो गया, जिनकी स्थिति हमने अभी जानी थी। तो इस तरह से हम मैप के थ्रू पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ नॉलेज बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से एक न्यूज है, सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू हॉकी। क्वेश्चन आ सकता है कि सुल्तान अजलान शाह किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, मेंस हॉकी। द इवेंट हेल्ड इन मलेशिया, तो ये सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में ही खेला जाता है। टोटल 6 टीम पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, तो आजकल ये इवेंट चल रहा है और 6 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि कैनेडा, इंडिया, जापान, मलेशिया, पोलैंड एंड साउथ कोरिया है। मलेशिया की एक सिटी है इपो, IPOH, यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। सुल्तान अजलान शाह जो है मलेशिया के सुल्तान होया करते थे, 32वें नंबर के सुल्तान थे, इसलिए उनकी याद में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है मलेशिया में खेला जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की खबर, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।